अस्सलाम वालेकुम। तो मैं कुछ वीक्स लेट हो गया। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इश्यूज़ रिगार्डिंग द एमडी कैट एंड एनएलई। एनएलई पे हम थोड़ी देर में बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एनएलई एज अ कॉन्सिक्वेंस देखना चाहिए। एनएलई को पहले उसकी तशरीह करना या उसके बारे में बात करना से मेरे ख्याल सेंस नहीं बनेगी। और ये वीडियो एक वाइडर ऑडियंस के लिए है, ये सिर्फ मेडिकल ऑडियंस के लिए नहीं है। ये वीडियो ख़ास तौर पर पेरेंट्स के लिए है जो जिनके बच्चे प्री मेडिकल कर रहे हैं या करना चाहते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक इंक्रीमेंटल ट्रेंड देखा जा रहा है उन बच्चों का जो हर साल मेडिकल के शोबे में आना चाहते हैं। ये एक खुशाइन बात है। मैं ख़ुद एक डॉक्टर हूँ उस लिहाज से कि हमारी फील्ड है, और उसके लिए एक खुशी का बायस, एक फ़ख्र का बायस होता है कि उसके जो फील्ड में या उसके प्रोग्राम में उसके शोबे में ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये तो एक खुशाइन बात है, अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि मैं एक पेरेंट भी हूँ और मैं पाकिस्तान में शुरू से रहा हूँ, पैदा भी इधर ही हुआ हूँ, मरने का भी इधर ही इरादा है, अल्लाह बेहतर जानता है, तो मुझे अपनी सोसाइटी का काफ़ी अच्छी तरह अपने पर्सपेक्टिव से इल्म है। और मुझे ये इल्म है, अगेन मैं इसमें गलत हो सकता हूँ, ये मेरा अपना ज़ाती राय है, कि मेडिसिन के जो पीछे एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटल एम्बिशन इन्वॉल्व है। मैं टीचर हूँ, मेडिकल टीचर हूँ, मैं बच्चों के साथ बहुत बाय वर्च्यू ऑफ माय जॉब मेरी बहुत इंटरेक्शन होती है स्पेशली फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के MBBS के बच्चों के साथ। और कई दफ़ा मैं वाइवा ले रहा होता हूँ अपने अपने शोबे का, मैं इम्तिहान के प्रोसेस में होता हूँ और उसमें मैं महसूस करता हूँ कि बच्चा स्ट्रगल कर रहा है। ऐसा आप यकीन करें कई दफ़ा हुआ, और मैं ऐसे पेरेंट्स को मुखातब कर रहा हूँ। और कई दफ़ा मैं वाइवा को रोक के मैं इंटरेस्टेड हो जाता हूँ कि बच्चा स्ट्रगल क्यों कर रहा है। मैं एक सरकारी इदारे में हूँ और यहाँ पर मेरिट के स्टूडेंट्स आते हैं, तो मुझे तजस्सुस होता है कि ये बच्चा एक इतने हाई मेरिट को लेके आया है जहाँ पे अशारिये के बाद दो हिंसों तक फाइट होती है, तो ये स्ट्रगल क्यों कर रहा है, ये बुनियादी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पा रहा। आप यकीन करें कि बड़ी दिल गिरफ्तार बात है ये, कि कई दफ़ा ऐसे हुआ, ऐसी केस स्टडीज़ हैं मेरे पास मेरे तजुर्बे में, कि वो बच्चा मेडिसिन में आना नहीं चाहता था। एक बच्चा मुझे अभी भी याद है, हमारे कॉलेज का था, वो मैथमेटिक्स में कुछ करना चाहता था, इससे ज़्यादा सितम नहीं हो सकता। मैथ और बायोलॉजी का आपको पता है क्या रब्त है, खैर रब्त तो हर चीज़ हर साइंस का होता है आपस में, लेकिन बहरहाल ये एक दो अपोजिट चीज़ें हैं। तो एक बच्चा जो मैथमेटिक्स करना चाहता था, उसको उसके पेरेंट्स ने, अब वही बात है, या तो फोर्स किया या अपनी एम्बिशन को इस तरह से एक्सप्रेस किया कि वो बेचारा जो है वो ना नहीं कह सका, आ गया। अच्छा, लायक है तो बहरहाल वो उस मेरिट के प्रोसेस में गुजर के वो एक सरकारी इदारे में भी आ गया, मजे की बात ही है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आगे चलो आ तो गए, और मुझे बड़ा अफसोस, बहुत दिली अफसोस हुआ मुझे इस बात का। मुझे फोर्स्ड एम्बिशन के बाद जब किसी बच्चे को मजबूर किया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली प्रेशर डालते हैं, कई होते हैं जो इमोशनल ब्लैकमेल, मैं खुद एक पेरेंट हूँ, मुझे पता है इमोशनल ब्लैकमेल पेरेंट्स करते हैं, कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन करियर बनाने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल करना और उसको फिर उसमें पुश कर देना, शव कर देना, ये बहुत मेरे ख्याल से ज्यादती है। खैर मैंने उसे पूछा, अच्छा चलो आ तो बेटे गए हो, करोगे अब, होगा क्या, अभी तो तुम फर्स्ट या सेकेंड ईयर में। तो कहता है जी मैं, और उसने बड़े धड़ल्ले से कहा, मैं MBBS तो कर लूँगा। अब पता नहीं उसको MBBS ईजी लग रहा था या क्या लग रहा था, आई डोंट नो, ज़हीन था बहरहाल, और वो कर भी जाएगा, हम डॉक्टर बना के निकालते हैं, हम ऐसे नहीं छोड़ते। कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं MBBS प्रोग्राम की कि आप एक दफ़ा घुस जाएं, ये सही बात फैली हुई है, ये सिर्फ बात नहीं है, तो वो बंदा बन के ही निकलता है। ऑल्दो मेरा ख्याल है अब यूनिवर्सिटी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ पेपर्स को मेरे ख्याल रेगुलेट कर रही है, लेकिन पुराने जो लोग हैं उधर कोई लिमिट नहीं थी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे। सो आई आस्क्ड हिम, इसे मैंने MBBS तो कर ही लेना है, ऑलमोस्ट उसके यही वर्ड्स थे। मैंने कहा फिर, कहता सर मेरे जो पेरेंट्स की एम्बिशन थी ना वो MBBS की हद तक है, कि मुझे डॉक्टर बनता देखना चाहते हैं और बना देखना चाहते हैं। अच्छा ठीक,
कहते वो तो मैं उनको दे दूंगा ना, मैं बन जाऊंगा। लेकिन फिर आई विल गो बैक टू मैथमेटिक्स विच इज माई लव। मुझे एक एकेडमी में मैथ पढ़ाना पड़े रोजगार के लिए, मैं वो करूंगा, लेकिन मैंने करना मैथ है, मुझे मैथ के अलावा कुछ चीज सोचती नहीं। अब आप क्या, अब मैं तो उससे वाइवा नहीं ले सका उसके बाद। आई नाउ डोंट रिमेंबर हाउ हाउ डिड इट एंड, बट इट वॉज अ वेरी सैड थिंग फॉर मी। फिर इस तरह की और बातें, कई बच्चियों की एग्जाम्पल आई कि जिनको साफ पता लगता है कि अगेंस्ट देयर विशेस पुश किया जाता है, और वो जो फेमस बात है कि रिश्ते अच्छे आएंगे, वो भी बहुत बहुत सितम है, जुल्म है, ये गलत बात है। इससे हमारे बुनियादी अकायद का पता लगता है कि हम रिजक के जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में क्या समझते हैं हम। हम कहते तो हैं कि रिजक अल्लाह की तरफ से, लेकिन हम क्या उसमें वाकई बिलीव करते हैं। दूसरी बात, रिश्ते आसमान में होते हैं, हम ये बातें सिर्फ करते हैं, मैं पेरेंट टू पेरेंट बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बातें ही होती हैं सिर्फ। हम वी डोंट एक्चुअली बिलीव इन इट, बिकॉज इफ वी वर टू बिलीव इन इट देन वाई वुड वी पुश आर डॉटर्स इन वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एकेडेमिक साइकोलॉजिकल एंड एवरी एल्स थिंग वाइज प्रोग्राम MBBS, हम उसको क्यों पुश करेंगे जहां पे उसकी नाइट ड्यूटीज लगनी है, उसकी पढ़ पढ़ के कई लोगों की तो शक्ल ही बेचारों की खराब हो जाती है। जब उनके प्रॉफ्स होते हैं, हम शक्ल देख के बता देते हैं इस बच्चे का प्रॉफ होगा, ठीक है, वाई वुड वी डू दैट अनलेस ऑफ कोर्स द किड वॉन्ट्स टू डू इट। देखिए जब वो कोशिश करेगा, खुद उस वक्त करेगा जब उसका एम्बिशन उसके साथ हो, जब वो चाहता है करने का, फिर तो कोई मसला नहीं, और फिर वो दरवाजे खुद ही खोलेगा, फिर आपको खड़े होने की जरूरत नहीं। पेरेंटल एम्बिशन पे मैं बात और भी कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये बात बहुत प्रेविलेंट है, ये बात बहुत नोन है, इसलिए इस बात पे मूवीज बनी हुई हैं, इस बात पे कई मुहावरे बने हुए हैं, इस बात पे कई ट्रेजिडीज हुई हुई हैं। डू यू नो कि देर इज ए स्टेटिस्टिक, अल्लाह का शुक्र है वो मॉडेस्ट है अभी पाकिस्तान में, भारत वगैरह में बहुत ज़्यादा है वो, और दूसरे ममालिक में ज़्यादा है, वेस्ट में भी ज़्यादा है, ऑफ सुसाइड इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स इन मेडिसिन। बच्चे जिनका नया नया दाखिला होता है MBBS में, जो पहले कुछ साल में वो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि पहली बात वो अपने जहन में जहन साजी उनकी नहीं हुई भी होती, वो किसी के प्रेशर में आके उन्होंने इतनी मुश्किल स्टडीज अपने सर पर उठा ली होती हैं। एक ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि मेडिसिन बहुत हार्ड है, तो अगर अगर बच्चा जो है वो उसको कोप अप नहीं कर पा रहा, तो उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसको थोड़े से दिलासे की ज़रूरत है, कुछ गमगुसारी की ज़रूरत है, जो कि उसको नहीं मिलती, स्पेशली सरकारी कॉलेजेस में तो कुछ ज़्यादा इतना फोकस इन चीज़ों पे नहीं होता, तो पेरेंट को ही कुछ करना पड़ता है। और कुछ टीचर्स होते हैं जो इस तरह का काउंसलिंग करते रहते हैं अपने तहीं, उनको कोई पैसे वैसे नहीं मिलते इसके, वो खुद ही एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे या एक इस्लामी फरीजे के तौर पर ये बातें करते रहते हैं। कई मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप यकीन करें, जो डिप्रेस्ड रहे हैं, दो दो साल डिप्रेस्ड रहे हैं, आ जाते हैं मेरे पास और हम गप लगाते हैं, गप्पों में हम बातें भी करते हैं, मोटिवेशन भी होती है, काउंसलिंग भी हो ही जाती है, कुछ ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो मैं आपको अपने फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि कई बच्चे नाखुश होते हैं, नहीं आना चाहते इस फील्ड में, और उनको हम पुश करते हैं, ये ज्यादती है, सरासर ज्यादती है। तो प्लीज पेरेंटल एम्बिशन पे अपने आप को दोबारा से सोच लीजिए, रिजक के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, रिजक अल्लाह ताला देते हैं, जो चाहे हो जाए, आप जो चाहे कर रहे हैं, आपकी जो चाहे ओरिएंटेशन है, अल्लाह सुभान ताला ऊपर बैठे हुए हैं और राजक वही है, वो एक राजक है, वो एक अल्लाह की जात है, वो एक ही राजक है, रिजक वो देता है जो चाहे हो जाए, वो रिजक आपको देगा। रिश्ते जहां चाहे आप करना चाहें नहीं होने, जब तक वो जात ना चाहे, ठीक है। तो ये जो बुनियादी एतकाद है, मेरा ख्याल है कि इनकी वीकनेस की वजह से हम ये करते हैं जो हम करते हैं, और अपने बच्चों को हर्ट करते हैं, हर्ट कर जाते हैं, ये नहीं करना चाहिए। बच्चों का एप्टीट्यूड देखना चाहिए, कुछ बच्चे मैथमेटिक्स में तेज होते हैं, कुछ बच्चे आर्ट्स में तेज होते हैं, कुछ बच्चों बच्चे लैंग्वेजेस में तेज होते हैं, कुछ बच्चों का हाफ़ज़ा अच्छा होता है, कुछ बच्चों का एनालिटिकल स्किल्स अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे देख के ज़्यादा पढ़ना पढ़ लेते हैं, यानी एक तस्वीर को देख के, कुछ बच्चे उनको टेक्स्ट पढ़ना की ज़्यादा आदत होती है, और कुछ बच्चे जनरली
जो चाहे आप उनके साथ उनको दे दें मटेरियल, वो उसको मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे टेक्निकल होते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं और फिर उनका दिमाग एडवेंचर चला जाता है कि यार ये वीडियो गेम बनता कैसे। अब वो एक पूरी साइंस है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एक बहुत लंबी चौड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सी नई फील्ड्स खुल रही हैं। डाटा साइंस एक ह्यूज फील्ड है। मैं भी बीबीसी का एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि वन ऑफ द हाईएस्ट सैलरीज इन यूके इज इन डाटा साइंस। डाटा साइंस में हम बच्चे भेज सकते हैं, हम कंप्यूटर साइंस बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब तो फ्रीलांसिंग बहुत शुरू हो गई है, जिसमें आपके बुनियादी स्किल्स अंग्रेजी के या किसी भी लैंग्वेज के हों और आप रीजनेबल हद तक जहीन हों, मतलब आप आइंस्टाइन होने की जरूरत नहीं है, आप रीजनेबल हो। बच्चे, यंग एडोलेसेंट्स, टीनेजर्स पैसे कमा रहे हैं फ्रीलांसिंग पर। कहने का मकसद यह है कि दुनिया बहुत वसी है करियर्स में, हमें सिर्फ एक चीज। अब कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मैं कहीं एग्जाम लेने गया प्राइवेट इदारे में, प्राइवेट इदारों का तो बुरा हाल है इन द सेंस के वहां तो पेरेंट हर तरह से घुसना चाह रहा है। बच्चे के नंबर नहीं आए सरकारी इदारे में आने के लिए, कोई बात नहीं, वो अपनी जमीन बेच देगा, वो अपनी जायदाद बेच देगा, किसी तरह से वो उसने किसी तरह से घुसाना है किसी प्राइवेट इदारे में। और फिर जाहिर है बुरी तरह से इस्तेहसाल होता है इन पेरेंट्स का और इन बच्चों का और कई कई जगह टीचर्स का इन इस तरह के इदारों में। तो ये पूरा एक हमारी आज की गवर्नमेंट का एक फेवरेट वर्ड है, माफिया, इधर भी ये वो फिट होता है, पूरा एक माफिया बन चुका हुआ है। और अगेन आई डोंट इंटेंड टू गो टू द पॉलिटिक्स ऑफ दिस माफिया, बट आपको एज अ सारिफ आपको ये चीज नजर आ रही होती है कि यार मैं इतने ढेर सारे पैसे दे रहा हूँ एक डॉक्टर बनाने के लिए। अभी जो एवरेज पीएमसी ने कैपिंग की है कि इससे ज्यादा पैसे नहीं लेने एक साल के, वो तकरीबन 11 लाख हैं, 11 या 12 के अराउंड हैं। अब मैंने एक जगह पढ़ा था ये, तो 11-12 लाख रुपया साल का, तो आप ये समझ लें कि 40 लाख, 50 लाख तो सीधा सीधा नहीं, 55 लाख तो सीधा सीधा ट्यूशन में चला गया ना। उसके बाद बच्चे ने कुछ खाना है, कुछ पीना है, जाना आना है, पेट्रोल की प्राइसेस, ये वो सारा, किताबें शिताबें, ये सारा मिल मिला के मेरा ख्याल है कि 60 तक तो पहुंचेगा। 60 लाख में आप एक बच्चा बना उठा रहे हैं, जिसके बाद पता नहीं उसने प्रैक्टिस किस किस्म की करनी है, क्या करनी है। तो खुदारा इस बारे में सोचिए और बच्चों को थोड़ा सा सुन लीजिए। बच्चे बहुत जहीन होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, बच्चों के पास होता है, नालायक भी होते हैं, लेकिन बहरहाल आपकी औलाद है, यू हैव टू लिसन टू देम, यू हैव टू लिसन टू देम, वो क्या चाहते हैं आपको सुनना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। एनली, ये अब पीएमसी ने एमबीबीएस और हाउस जॉब के बाद रख दिया है, यानी एमबीबीएस के सारे इम्तिहानात रूटीन में रेगुलरली वही होंगे जैसे पहले हो रहे थे, हाउस जॉब भी रूटीन में होगी जैसे हो रही थी। हाउएवर उसके बाद एक एग्जाम है जिसको एनएलई कहते हैं, ठीक है। इस ये वाला एग्जाम अब हर बच्चे पे पास करना कंपलसरी है अगर उसने प्रैक्टिस करनी है, यानी जिस चीज के लिए उसको 6 साल पढ़ाया गया है वो प्रैक्टिस करने के लिए उसको एनएलई पास करना है, जो इन तमाम मराहिल से गुजर के, इन तमाम एग्जाम्स को पास करके एंड में फिर एक उसने इम्तिहान देना है, जो कंबाइंड इम्तिहान होगा, जो उसके सारे स्किल्स चेक करेगा जो उसने एमबीबीएस में एक्रू किए हैं, लिए हैं और हाउस जॉब में सीखे। तो मेरी बात सुने, ये सारे इम्तिहानात के ऊपर, अच्छा एनएलई पे बच्चे बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगर आप न्यूज़ देखें तो, उसके प्रोज एंड कॉन्स मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन है वो ढूंढनी चाहिए, वो किधर मिल रही है, ठीक है। अगर वो मिल रही है तो फिर इम्तिहान पास करना और पास ना करना का कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन बहरहाल एनएलई की भी पीछे पूरी साइंस है, पूरी थिंकिंग है, प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके हामी भी लोग हैं, उसके अगेंस्ट भी लोग हैं। मेरा ख्याल है कि अगर, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर एमबीबीएस के जो प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं उनका स्टैंडर्ड अच्छा रखा जाए, हाई रखा जाए, हाउस जॉब को और टाइट किया जाए और एविडेंस बेस पे उसको निखारा जाए, हमारी हाउस जॉब को, हमारे डॉक्टर्स एक अरसे से बहुत अच्छे हम डॉक्टर्स बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में सर्व करते हैं, तो हम कोई बहुत बुनियादी गलती नहीं कर रहे मेरे अपनी हम्बल नॉलेज में और आइडिया में।
लेकिन निखार हर चीज में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो अगर एनएलई को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि हमने चेक करना है कि क्या क्वालिटी आ रही है, ये थोड़ा सा ऑफेंसिव लगता है बच्चों को, कि अब एक और इम्तिहान देना पड़ेगा। पेरेंट्स के लिए भी एक मुसीबत है। आप ये देखिए ना कि आपने 60 लाख रुपए दे के बच्चे को आप हाउस जॉब तक ले आए, और हाउस जॉब के बाद एक एनएलई बैठा हुआ है, अभी उसने वो इम्तिहान भी देना है। मिसाल के तौर पर वो एग्जाम पास नहीं कर पाता या पास नहीं कर पाती, अब पेरेंट को फौरन वो 60 लाख रुपए याद आ जाएंगे कि यार ये क्या बदतमीजी है, और बच्चे को भी कि मैंने इतने इम्तिहान दिए हैं, वो क्या वो सारे नल एंड वॉइड हैं, वो भी यूनिवर्सिटी सरकारी किसी यूनिवर्सिटी ने लिए हैं, वो गवर्नमेंट ने लिए हैं। हाउस जॉब जो मैंने की है वो भी एक वेरीफाइड जगह से की है। तो एनएलई फेल करने का मतलब क्या है? वो जो सारे प्रोफेशनल एग्जाम्स पास हुए पड़े हैं, जो हाउस जॉब का सर्टिफिकेट है, उनका अब क्या करना है? तो एनएलई के मतलब भी बहुत सारे सवाल हैं और अभी खदशात हैं। तो मेरा फाइनल पॉइंट ये है कि बच्चों से बात करें, बच्चों से डायलॉग करें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो बाद में नाख्वास्ता आप अपने बच्चे को हर्ट करेंगे, और मेडिकल जो फील्ड है वो चैलेंजेस से भरपूर है। ये जो एक तमगा लगता है एमबीबीएस करने का कि डॉक्टर नाम के साथ लग गया, वो तो लग जाता है, लेकिन वो करने के लिए जो पापड़ अब बेलने पड़ते हैं और उसके बाद क्या होता है, वो भी किसी एपिसोड में मैं इनवाइट करूंगा अपने कुछ ग्रेजुएट्स को, एक्चुअली जो शेयर करेंगे हमारे साथ कि ना सिर्फ अपनी आप बीती के एमबीबीएस में क्या हुआ, बल्कि उसके बाद क्या हुआ, कितनी एक्सपेक्टेशंस उनकी पूरी हुई पाकिस्तान में रहते हुए या अब्रॉड जाते हुए। तो ये बातें सुनना और समझना बड़ा ज़रूरी है बिफोर वी वॉन्ट टू पुश आर किड्स इन टू अ सर्टन फील्ड। मैं अभी आपसे कहूं कि आप एक्चुरियन साइंसेज में अपने बच्चे को डाल दें, तो आप कहेंगे, आप अगर मेरे जैसे सादे से बंदे, आप कहेंगे ये होता क्या है, और जाहिर है फिर आप उसको लुकअप करेंगे, आप पूछेंगे, को मशवरा करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हम घर बनाने से पहले को 50 लोगों से मशवरा करते हैं, गाड़ी खरीदने से पहले, फल खरीदने से पहले, गोश्त लेने से पहले हम मशवरा करते हैं, हम 10 दफा पूछते हैं क्या एक्सपायरी है, ये है वो है। बच्चे के करियर के मुतालिक हम सिंगल ट्रैक कैसे हो जाते हैं, ये मेरे ख्याल में इस बारे में सोचना चाहिए इंशाल्लाह। कोई मेरी बात पे कोई कमेंट अगर बनता है आपका, या मुझसे कोई सवाल करना है, या मेरी कोई तस्दीक करनी है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।